बिहार के पटना से एक बेहद ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक युवती ने अपनी छोटी बहन को अपना पति सौंप दिया। इतना ही नहीं, उसने उन दोनों की कोर्ट मैरिज भी करा दी। बताया जा रहा है कि युवती ने ऐसा कदम इसलिए उठाया क्योंकि वो किसी दूसरे युवक से प्यार करती थी और उसी के साथ रहना भी चाहती थी। बहन के साथ पति की शादी करवाने के बाद युवती अपने प्रेमी के पास वापस से चली गई, जिसके कुछ ही दिनों बाद सब कुछ सही रहा। लेकिन एक दिन अचानक युवती का प्रेमी उसे छोड़कर भाग गया और फिर वह खुद को अकेला महसूस करने लगी। ऐसे समय में उसे अपने पति की याद आने लगी और उसने वापस जाने का फैसला कर लिया। एक दिन अचानक वो अपनी छोटी बहन के घर जा पहुंची और उससे पति के साथ वापस पहले की तरह रहने की बात कही। छोटी बहन से उसकी बातों को पूरी तरह अनसुना कर दिया। दरअसल युवती की जो छोटी बहन है वह युवक को पूरी तरीके से अपना पति मान चुकी थी और इस तरह की कोई भी बात नहीं सुनना चाहती थी। उसने बड़ी बहन की बात को मानने से भी मना कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ता चला गया और ये विवाद इस तरीके से बढ़ा कि यह विवाद जो है वो पटना की महिला थाने तक पहुँच गया। मिली जानकारी के अनुसार युवती जो है वो पटना में ही नौकरी करती थी और इसी दौरान उसकी जान पहचान एक युवक से हुई थी। दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई और फिर ये रिश्ता प्यार में बदल गया, लेकिन युवती की शादी किसी दूसरे युवक से हो गई। युवती शादी तो कर चुकी थी लेकिन वो अपनी प्रेमी को भूल नहीं पाई। एक दिन जब इसका ख्याल उसे परेशान करने लगा तब उसने यह फैसला लिया कि वो अपने प्रेमी के पास वापस जाएगी। फिर युवती ने फैसला किया कि वो अपने पति की शादी अपनी छोटी बहन के साथ करा देगी। इसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को किसी भी तरह मना लिया, दोनों की शादी करा दी, खुद अपने प्रेमी के साथ रहने भी लगी। फिर जब प्रेमी ने साथ छोड़ा तो पति के पास वापस आने का फैसला किया, लेकिन तब तक उसकी जो छोटी बहन थी इस बात के लिए राजी नहीं हो पाई और महिला थाना अध्यक्ष ने दोनों युवती को शनिवार को थाने में बुलाया है। अब ये देखना ये होगा कि अब दोनों बहनें कौन से रास्ते अपनाते हैं।